नमस्कार। आज की क्लास में हम क्लास 8 के लेसन 1 ज्योग्राफी के लेसन 1 रिसोर्सेस यानी संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन क्या है? तो संसाधन हम आए दिन हर दिन कोई ना कोई वस्तु उपयोग में लाते हैं, वह सभी संसाधन हैं। जैसे पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, ये सभी संसाधन हैं। संसाधन को समझने के लिए हमारे जीवन एक मात्र उपाय है कि हम जो वस्तु यूज करते हैं अपने जीवन में, वह सभी संसाधन हैं। संसाधन को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल, दूसरा है मैनमेड और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस। तो समझेंगे, बारी बारी से करके हम सबको समझेंगे। चलते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस कहने का तात्पर्य है कि रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। यानी वैसे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्रदत्त हों और बिना उसमें किसी छेड़छाड़ का हम उसका उपयोग करते हैं। उसके उदाहरण हो सकते हैं हवा, पानी और जो नदी और तालाब हैं, मिट्टी हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस के बेहतरीन उदाहरण हैं और ये हमारे जीवन में बहुत से प्रकार से हमें मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए नेचुरल रिसोर्सेस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रिन्यूअल और दूसरा है नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल कहने का मतलब है कि इन्हें हम प्राकृतिक घटनाओं द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें ज़रूरत है, जैसे कि एयर हो गया, तो एयर रिन्यूअल रिसोर्सेस हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद पेड़ पौधों द्वारा हमें एयर, ऑक्सीजन फिर पुनः मिल जाता है, तो यह रिन्यूअल रिसोर्सेस हुआ। वाटर हुआ, वाटर साइकिलिंग के कारण मिल जाता है। लेकिन दूसरे पक्ष में नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेस हैं जैसे कि उनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नॉन रिन्यूअल का सबसे बेहतर उदाहरण है पेट्रोलियम, जो कि हम एक बार उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा एक निश्चित समय के बाद, तो हम उस फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, यानी मानव निर्मित संसाधन। कहने का तात्पर्य है कि नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ चेंज्ड। यानी कि हम उसके वास्तविक मूल को, प्राकृतिक संसाधन के वास्तविक रूप को बदलकर अपने ज़रूरत के अनुसार जिस वस्तु का निर्माण करते हैं, वह ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आयरन जो हो गया वह नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, लेकिन उसी आयरन से हम ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं या फिर व्हीकल्स बनाते हैं, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेस का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेस का बचाव करते हुए, उसके कम वस्तुओं का उपयोग करते हुए, उसे अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, वो सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स को समझने के लिए हम जानेंगे पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि जितने भी पीपल्स हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेस। और जो हेल्थ और एजुकेशन है, एजुकेशन और स्वास्थ्य और शिक्षा है, यह रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन को विकसित करने में मदद करते हैं। और इसी के साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से इनका विकास किया जाता है तथा इन्हें संचरित किया जाता है। अब जानेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेस। अब हमें रिसोर्सेस की संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हम समझेंगे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली
एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्स कंजर्वेशन, तो रिसोर्स कंजर्वेशन समझने के लिए हम रिसोर्स कंजर्वेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम जो रिसोर्सेज को यूज कर चुके होते हैं उन्हें हम पुनः उत्पन्न होने के लिए, फिर से बनने के लिए कुछ समय देते हैं, यही रिसोर्स कंजर्वेशन होता है। और रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम इसे क्या करते हैं, फिर भविष्य में इनको पूरी मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे पहलू हैं कि अगर हम इन रिसोर्सेज को बचा बचा करके ज़रूरत के हिसाब से यूज करें और फ्यूचर में आने वाले अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखें, तो इस प्रकार की स्थिति क्या होती है, अगर हम इन्हें बचा करके रखते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम समझेंगे आगे इसके एक्सरसाइज को हम समझेंगे। क्वेश्चन आंसर आप पूरे लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यथासंभव अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप दिए हुए मोबाइल नंबर पे संपर्क करेंगे और आप घर पे एक्सरसाइज का वन टू बनाएंगे और स्कूल खुलने के तदुपरांत हम उसको चेक करेंगे। धन्यवाद।